आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। आज हम एक गुरुनिष्ठ यानी गुरु में निष्ठा रखने वाले भक्त की कथा को सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। आज एक ऐसे भक्त की कथा है जिसने अपने मरे हुए गुरु को फिर से जीवित होने पर विवश कर दिया। कथा नाभाजी महाराज इस प्रकार से वर्णन करते हैं। एक गुरुजी थे और उनका एक शिष्य था। तो एक बार उस शिष्य को कहीं किसी काम के लिए जाना पड़ा। तो गुरुदेव ने उनको कहा कि हे पुत्र, तुमको मुझे कुछ बात कहनी थी, तुम जब आओगे तो मैं वह बात तुमको आकर के ही बताऊंगा। अब उसने इस बात को दृढ़तापूर्वक विश्वास किया। गुरुदेव जी की आज्ञा स्वीकार कर वह अपने काम के लिए बाहर चला गया। अब उसको गांव में बहुत समय लग गया और जब वह वहां से लौटा तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान की लीला को भला कौन जान सकता है। तो उनके गुरुजी ने अपने शरीर को त्याग दिया, छोड़ दिया। सब लोग उनके गुरुजी को लेकर के शमशान भूमि में अंतिम संस्कार के लिए ले गए। इतने में ही उनका गुरु का जो चेला था वह आ गया और शिष्य ने देखा कि मेरे गुरुजी को तो लोग शमशान में ले जा रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। उसने अपने गुरुजी की वाणी में विश्वास था, इसलिए उसने कहा कि जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर यहाँ से चला था, मेरे गुरुजी ने कहा था कि हे पुत्र, जब तुम आ जाओगे मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है, मैं तुमको वो बात बताऊंगा। अब मेरे गुरुजी भला ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे बात बताए बगैर वे कैसे जा सकते हैं, इसलिए आप इस शव को ले चलिए। अब लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया और उस शव को लेकर के वे वापस आ गए। शिष्य ने अपने गुरुजी से प्रार्थना की, कहा कि हे गुरुदेव, आपने मुझसे कहा था कि तुम अपना काम पूरा करके आओ और फिर मैं तुमको एक बात बतानी है, वह बात बताऊंगा। गुरुदेव, अब आप मुझे वह बात बताइए। उसके विश्वास से उनके गुरु सर्वसमर्थ गुरुदेव सबके सामने शिष्य ने जब इस प्रकार की बात कही तो उनके गुरुदेव फिर से जीवित हो गए। सबने इस बात को सुना और शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, आप धन्य हैं, जो बात आप मुझे बताना चाहते थे वह बात आप मुझे बताइए। तब उनके गुरु ने कहा, हे पुत्र, जिस प्रकार से तुम मेरे जीवित रहते हुए साधु संतों की सेवा करते थे, उसी प्रकार से मेरे जाने के बाद भी साधु संतों की सेवा करना। और उनके गुरुजी इस बात के बाद एक वर्ष तक जीवित रहे और अपने शिष्य के द्वारा संतों की सेवा देखते रहे कि मेरा शिष्य किस प्रकार से संतों की भक्तों की सेवा कर रहा है। फिर गुरुजी ने अपने शरीर का त्याग किया और भगवान के धाम को चले गए। भक्तजनों, अब जो विश्वास करता है तो विश्वास में ही सारी बात छुपी हुई है। अगर हम किसी पत्थर में भी विश्वास करने लगते हैं तो हमारे विश्वास से वह पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। नहीं तो विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। विश्वास ना हो तो कुछ भी ना हो। इस प्रकार से इस चेले ने अपने गुरु पर विश्वास किया, गुरुजी को लौटा लाया, गुरुजी जीवित हो गए
और गुरुजी ने फिर उसकी सेवा देखी और फिर अपने शरीर का त्याग किया और भगवान के धाम को चले गए। इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।